बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर बाय जोसेफ लॉरेन एंड दिस इज टेकन फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 8। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट ए। रीड द लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर वन, हॉरर्स, द बटरफ्लाई एक्सक्लेम, दिस मस्ट बी स्टॉप्ड, आई एम अशेम्ड। तो ये लाइन इस पोएम से ली गई है बच्चों। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द बटरफ्लाई हॉरिफाइड एंड अशेम्ड ऑफ। बटरफ्लाई क्यों इतना भयानक उसने एक्सप्रेशन दिया और क्यों वो इतनी शर्मशार हुई? तो आंसर इज द बटरफ्लाई इज हॉरिफाइड एंड अशेम्ड। उसे शर्म आ रही थी और वो हॉरिफाइड भी हो गई थी दैट समवन एज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एज इट शुड हैव टू लिव इन द सेम वर्ल्ड एज दैट ऑफ द कैटरपिलर हु इज बोथ हीडियस एंड डिसगस्टिंग अकॉर्डिंग टू हिम। अब जो बटरफ्लाई है वो इतनी उसको कैटरपिलर को देख के इतना ज्यादा भयावह हो गई थी। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द बटरफ्लाई हैव दिस रिएक्शन। बटरफ्लाई ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? आंसर इज द बटरफ्लाई हैड दिस रिएक्शन बिकॉज शी थॉट दैट शी वाज ब्यूटीफुल। क्योंकि बटरफ्लाई का ऐसा रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि उसे लगता था वो बेहद खूबसूरत है एंड द कैटरपिलर वाज सो अगली। और कैटरपिलर जो है बहुत बदसूरत है दैट ही हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। और कैटरपिलर को एग्जिस्ट रहने का जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। एटलीस्ट कम से कम नॉट इन द सेम वर्ल्ड एज द बटरफ्लाईज। कम से कम उस दुनिया में तो नहीं जिसमें बटरफ्लाई रहती है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर सी, विच ह्यूमन क्वालिटी डज द बटरफ्लाई हैव एंड व्हाई। बटरफ्लाई में कौन सी ह्यूमन क्वालिटी है और क्यों? आंसर इज द बटरफ्लाई हैज द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ प्राइड। बटरफ्लाई में एक अहंकार की क्वालिटी है जो ह्यूमन में पाई जाती है एंड इट इज बिकॉज शी फील्स शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड देयर इज नो वन एल्स लाइक हर। उसको अपने रंग रूप और अपने कलर्स को लेके इतना अहंकार है, इतना प्राइड है कि उसे ऐसा लगता है उससे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ठीक है बच्चों, नाउ पार्ट टू। 8 days ago, young butterfly, you warmed about the same as I. And based on this, question number A, according to the caterpillar, what was butterfly's condition 8 days ago? Caterpillar ke according, butterfly ki 8 din pehle kaisi condition thi? Answer is, according to the caterpillar, 8 days ago, the butterfly's condition was the same as the caterpillar's. Jaisa, jis condition mein abhi caterpillar hai, usi condition mein butterfly 8 din pehle thi. 8 days ago, the butterfly too was ugly. Butterfly भी 8 दिन पहले बेहद बदसूरत थी and hideous and crawling around like the caterpillar. और caterpillar की ही तरह रेंग रही थी और hideous थी और काफी ugly थी. ठीक है? Now part B. What will be the caterpillar be a fortnight later? How? Caterpillar जो है वो 15 दिन बाद एक fortnight के बाद कैसा हो जाएगा और कैसे? A fortnight later, the caterpillar will be a gorgeous butterfly because it will go through the transformative stage of being a pupa and then break out of the cocoon as a beautiful butterfly. बच्चों इसमें बताया है कि 15 दिन बाद fortnight, 15 दिन को कहते हैं आप लगभग उस टाइम से जब वो एक caterpillar है उसके बाद से अगले 15 दिन बाद caterpillar जो है transformative stage में है अभी तो वो एक being a pupa वो एक पुपा है और उसके बाद वो ब्रेकआउट हो जाएगा उसके कोकून और फिर वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाएगा। नाउ पार्ट सी, व्हाट डज द कैटरपिलर ईट नाउ एंड व्हाट विल इट ईट लेटर। अभी जो कैटरपिलर है वो अभी क्या खाता है और वो बाद में क्या खाएगा? आंसर इज द कैटरपिलर ईट लीव्स डे एंड नाइट फॉर इट नीड्स टू बिल्ड अप स्ट्रेंथ फॉर द पुपा एंड कोकून स्टेजेस व्हेन इट will not eat anything. अब caterpillar जो है वो पत्ते खाता है दिन रात और वो अपने आप को strength मजबूत करने के लिए ताकि वो pupa और cocoon stages से आगे बढ़ सके. As the butterfly, it will eat the pollen from the flowers. और बाद में वो जो फूलों का है रस वो पिएगा. Part number three, you in your livery so gay and all the gaudy moths and millers are only dressed up caterpillars. Based on these lines, question number A, what is meant by butterfly's gay livery? Butterfly's gay livery से क्या मतलब है?
Answer is the butterfly's gay livery refers to its colorful and beautiful wings, which are like the clothes it wears. Butterflies gay livery, so जो उसकी पंख है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत कलरफुल है, वो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ कोई कपड़े पहने हो. पार्ट बी, व्हाई आर द मोथ्स टर्न्ड गॉडी. मोथ्स को गॉडी क्यों टर्म किया गया है? द मोथ्स आर टर्न्ड टर्न्ड गॉडी बिकॉज सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली कलरफुल. उसको इसलिए ऐसा कहा गया है एक पोशाक के रूप में, क्योंकि कुछ पंख जो हैं वो बहुत ही कलरफुल हैं. एंड वेरी ब्राइट एंड विविड कलर्स आर डिस्प्लेड ऑन देयर विंग्स. उनके पंख पे बहुत ही चमकीले और विविड कलर्स हैं. पार्ट सी, व्हाई आर द बटरफ्लाइज मोथ्स एंड मिलर्स ओनली ड्रेस्ड अप कैटरपिलर्स. जो बटरफ्लाइज हैं, मोथ्स और मिलर्स हैं, वो ड्रेस्ड अप होते हैं कैटरपिलर्स. द बटरफ्लाइज मोथ्स एंड मिलर्स आर ओनली ड्रेस्ड अप कैटरपिलर्स बिकॉज दे वर ऑल स्टार्टेड लाइफ एज ए कैटरपिलर. क्योंकि उन सभी की जो लाइफ है वो एक कैटरपिलर से ही स्टार्ट हुई है. एंड आर जस्ट ग्रैंडली ड्रेस्ड नाउ बट इन देयर हार्ट्स आर स्टिल क्रीपी क्रॉली हीडियस एंड डिस्गस्टिंग कैटरपिलर्स. वो बेशक ऊपर से देखने में बहुत ड्रेस्ड अप लगते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं, लेकिन वो अंदर से एक कैटरपिलर ही है. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ वी विल मूव टू पार्ट बी. पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर वन, वेयर वर द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर. बटरफ्लाई और कैटरपिलर कहाँ पर थे जब उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी? द बटरफ्लाई वॉज सिटिंग ऑन अ स्प्रे ऑफ ब्लॉसमिंग हॉथ्रोन एंड बिलो हिम अ कैटरपिलर वॉज क्रॉलिंग ऑन द गार्डन वॉल. कैटरपिलर जो है वो गार्डन वॉल पे क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था, जबकि बटरफ्लाई जो है वो एक एक फूल पर बैठी हुई थी जो कांटों के बीच में था. आंसर क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज बटरफ्लाई डूइंग वन समर मॉर्निंग. बटरफ्लाई वन समर मॉर्निंग में क्या कर रही थी? आंसर इज वन समर मॉर्निंग द बटरफ्लाई वाज सिटिंग ऑन अ स्प्रे ऑफ ब्लॉसमिंग हॉथॉर्न एंड सिपिंग एंड ड्रिंकिंग नेक्टर फ्रॉम द थॉर्न ब्लॉसम्स. वो क्या कर रही थी? उस फूल पे बैठ के उसका रस पी रही थी. इज द बटरफ्लाईज रिएक्शन टू द कैटरपिलर नॉर्मल. जो कैटरपिलर के प्रति जो उसका रिएक्शन है बटरफ्लाई का, क्या वो नॉर्मल था? नो, द बटरफ्लाईज रिएक्शन टू द कैटरपिलर इज नॉट नॉर्मल. उसका कैटरपिलर के प्रति जो व्यवहार था, जो रिएक्शन था, वो एकदम नॉर्मल नहीं था. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द कैटरपिलर्स प्रिडिक्शन फॉर इज फ्यूचर. कैटरपिलर की के प्रिडिक्शन क्या थी अपने फ्यूचर के लिए? आंसर इज द कैटरपिलर प्रिडिक्ट्स दैट विद इन अ फोर्टनाइट ही वुड हैव टू विंग्स व्हिच वुड कैरी हिम टू ब्राइटर ब्लूम्स एंड लवलियर ल्यूस विद कलर्स दैट आउट राइवल द प्राउड बटरफ्लाइज. कैटरपिलर की प्रेडिक्शन ये थी कि आज से 15 दिन बाद उसके तो बहुत खूबसूरत पंख आ जाएंगे, और वो फिर वो पंख उसको कहाँ लेके जाएंगे? बहुत सुंदर सुंदर फूलों पर, और जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल होगा. और फिर वो अपने जो बटरफ्लाई है उसी को वो राइवल देता दिखेगा, कि वो उससे कंपैरिजन में ज्यादा सुंदर पंख होंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर. आंसर इज द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर बोथ कैटरपिलर्स. उन दोनों में समानता क्या है? उन दोनों में समानता ये है कि वो दोनों ही कैटरपिलर्स हैं, वन विद विंग्स एंड वन विदाउट विंग्स. एक कैटरपिलर विंग्स के साथ है और एक बिना विंग्स के. इट इज जस्ट अ स्टेज ऑफ इवोल्यूशन दैट द बटरफ्लाई हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू एंड द कैटरपिलर विल गो थ्रू. ये एक इवोल्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है, जिसमें बटरफ्लाई के लिए उसकी लाइफ साइकिल है, जिसके जो अब बटरफ्लाई तो उस स्टेज से आगे निकल गई है और कैटरपिलर उस स्टेज से जा रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट लेसन डस द कैटरपिलर टीच द बटरफ्लाई. कैटरपिलर ने बटरफ्लाई को क्या सबक सिखाया, क्या लेसन दिया? इट टेल्स बटरफ्लाई दैट इट शुड नॉट बी प्राउड एंड contemptuous because the caterpillar will also one day be like the butterfly. Butterfly ने उसको ये बोला, ये समझाया उससे कि आपको ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैटरपिलर जो है वो भी एक दिन बटरफ्लाई जैसा ही दिखने लगेगा. सो द बटरफ्लाई नीड नॉट टू बी सो प्राउड एंड एरोगेंट. इसलिए बटरफ्लाई को ज्यादा अहंकारी और ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, सॉरी सेवन, डू यू थिंक द मोथ्स एंड मिलर्स आर ऑल्सो वेन अबाउट देयर लुक्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर. क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सेवन, नो, दे डोंट थिंक दैट मोथ्स एंड मिलर्स आर ऑल्सो वेन अबाउट देयर लुक्स.
because there are all types of people in the world. Some are very beautiful, some are ordinary, while others are downright ugly. But one should learn to see the inner beauty of their souls and not react to their outer appearance. तो बच्चों इस आंसर में, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि संसार में अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं. कोई बेहद खूबसूरत होते हैं, सब तो एक जैसे नहीं होते ना, तो कई बहुत अगली होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं. तो हमें बाहर की सुंदरता, आउटर अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए. उनकी अंतरात्मा, उनकी सोच जो है, उसकी ब्यूटी हमें देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है. तो हमें बाहरी लुक से किसी को जज नहीं करना चाहिए. अभी हम बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ. थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डज द हॉथॉर्न बुश थिंक ऑफ द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर्स इंटरेक्शन. अब जो हॉथॉर्न बुश है, जिस कांटों की झाड़ी है जिस पे फूल खिला है और उस फूल पे वो बटरफ्लाई बैठी है, तो वो हॉथॉर्न जो बुश है वो बटरफ्लाई और कैटरपिलर के इंटरेक्शन के बारे में क्या सोचता है. आंसर इज द हॉथॉर्न बुश मोस्ट प्रोबेबली थिंक्स दैट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर आर बोथ स्टूपिड. तो वो यही सोचता है कि ये दोनों ही स्टूपिड हैं. बोथ ऑफ देम डोंट रियलाइज दैट दे आर द सेम स्पीसीज एंड हैव द सेम पास्ट एंड सेम फ्यूचर. क्योंकि दोनों को ही एहसास नहीं है कि वो दोनों सेम स्पीसीज हैं, एक ही प्रजाति के हैं, और दोनों का ही एक ही पास्ट था और एक ही फ्यूचर भी रहेगा. क्वेश्चन नंबर टू, द कैटरपिलर कुड हैव बीन कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड बाय द बटरफ्लाई बट ही डिसाइड्स नॉट टू रिमेन साइलेंट एंड फाइट बैक इंस्टेड. व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द कैटरपिलर. द कैटरपिलर कुड हैव बीन कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड बाय द बटरफ्लाई बट ही डिसाइड्स नॉट टू रिमेन साइलेंट. कैटरपिलर जो है उसको बिल्कुल ह्यूमिलेट किया था बटरफ्लाई ने, उसका बहुत ही उसकी बेइज्जती की थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो चुप नहीं रहेगा और वो फाइट बैक करेगा. दिस टेल्स अस दैट द कैटरपिलर इज वेरी ब्रेव क्रिएचर. इससे पता चलता है कि वो बहुत बहादुर क्रिएचर है एंड हैज द करेज टू फाइट अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन. व्हेन वन इज बुलीड और रैग्ड वन मस्ट ऑलवेज फाइट बैक ब्रेवली. तो इससे हमें पता चलता है कि जो कैटरपिलर ने जैसे उसका जवाब दिया हर बात का, तो हमें साहस के साथ अगर कोई बुली कर रहा है आपको, कोई परेशान कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, तो उसकी फाइट हमें बैक करना चाहिए बहादुरी से. क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ यू वर द बटरफ्लाई व्हाट चेंज वुड यू अंडरगो आफ्टर द कैटरपिलर स्टेटमेंट. अगर आप एक बटरफ्लाई होते तो आप क्या चेंज करते, व्हाट चेंज वुड यू अंडरगो आफ्टर द कैटरपिलर्स का जो स्टेटमेंट है उसके बाद आप में क्या चेंज आता. इफ आई वर द बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होती, I would change a lot after the interaction with the caterpillar. Caterpillar के interaction के बाद तो उसमें बदलाव संभव है, होना भी चाहिए था. I would become less vain of my looks and more tolerant of others and respect other regardless of their looks. क्योंकि दूसरों के looks को परवाह ना करते हुए उनकी inner beauty हमें देखनी चाहिए. यही सबक हम उससे सीखते हैं. Question number four, do you believe that humans have the potential to transform themselves like the caterpillar? क्या आपको विश्वास है कि जो humans में है वो इतनी काबिलियत है कि वो transform कर सके caterpillar की तरह? Yes, we believe it. हाँ, हमें ये विश्वास है. Human beings can change and grow positively. Human beings जो हैं वो अपने आप को बदल सकते हैं और grow कर सकते हैं सकारात्मक रूप से and create a new personality and a new life for themselves. और अपने लिए एक नई पर्सनैलिटी बना सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, डज द वर्ल्ड गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू लुक्स एंड नॉट एनफ टू एबिलिटी. सब्सटेंशिएट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स एंड रीजंस. तो बच्चों ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इसमें आप अपने कुछ एग्जाम्पल्स कहीं कोट कर सकते हैं. इसमें पूछा है कि क्या आपको लगता है कि आज की जो लाइफ है, आज के संसार में लुक्स को इम्पोर्टेंट दिया इम्पोर्टेंस दी जाती है जबकि एबिलिटीज को नहीं. यस, नाउअडेज वर्ल्ड गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस टू लुक्स एंड नॉट एनफ टू एबिलिटीज. हाँ, ये सच्चाई है. हमने भी देखा है आजकल कि आज इस संसार में जो लुक्स को जो इम्पोर्टेंस मिलती है, बाहरी सुंदरता को, वो उनकी एबिलिटीज को नहीं मिलती. ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर थे. अब हम अगला पार्ट जो अपना डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वोकैबुलरी.
बच्चों वोकैबुलरी सेक्शन में पार्ट ए बी सी तीन पार्ट हैं, तो पार्ट ए है अ राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम। दिस पोएम इज रिटन इन द राइमिंग कपलेट फॉर्म, राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। तो इसमें पोएम की राइमिंग स्कीम लिखनी है, जो आपको राइमिंग स्कीम इसमें जो है वो ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी ऐसे आगे करके बढ़ती चली जाएगी। तो पूरी पोएम में यही राइमिंग स्कीम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, पिक आउट ऑल द एलिट्रेशंस यूज्ड इन द पोएम एंड राइट देम। पोएम में जितने भी एलिट्रेशन यूज हुए हैं वो बताने हैं। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर्टनाइट फ्रॉम, ब्राइटर ब्लूम्स, लवलियर ल्यूर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। जैसे कि कोई भी वर्ड कॉन्जिक्यूटिव वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे फॉर्टनाइट फ्रॉम तो एफ एफ सेम है, ब्राइटर ब्लूम्स बी बी सेम है दोनों में। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखने को हमें मिलेगा कि एलिट्रेशन यूज हुआ है। दिस डिवाइस इज क्लियर। नाउ पार्ट सी, द इंग्लिश लैंग्वेज यूजेस बोथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों यूज किया जाता है, प्रीफिक्स और सफिक्स एक नए शब्द को बनाने के लिए। ये तो आपने ग्रामर में पढ़ा ही है। एड अ सूटेबल प्रीफिक्स और सफिक्स टू दीज वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ नीचे हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हम फिल करते हैं। यहाँ आपको बॉक्स में भी कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं जिनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो नंबर वन इज ही इज वेरी डैश पर्सन। तो यहाँ पे फ्रेंड से हमने फ्रेंडली बना दिया एल वाई लगा के, ये जो वर्ड के बाद में लगता है दैट इज सुफिक्स और वर्ड के आगे लगेगा तो प्रीफिक्स, तो यहाँ पर फ्रेंडली आएगा। नंबर टू, वी शुड बी डैश्ड ओवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट से हमने बनाया रिस्पेक्टफुल। नंबर थ्री इज प्लीज सिट डाउन एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल ही सेड। तो यहाँ पर हमें बॉक्स में कंफर्ट वर्ड दिया था तो हमने उसको कंफर्टेबल बना दिया। नंबर फोर, टुडे डॉक्टर्स परफॉर्म डैश सर्जरी यूजिंग लेजर रेज। तो यहाँ पर पेन से हमने पेनलेस बना दिया। नंबर फाइव, मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज अ क्लोज फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी। तो फॉलो वर्ड है तो हमने ई आर लगा के फॉलोवर उसमें बना दिया। नंबर सिक्स, बी केयरफुल ही कॉल्ड आउट जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू स्टेप इन टू अ पडल। तो यहाँ पर केयरफुल के साथ हमने फुल जोड़कर केयरफुल वर्ड बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? सेवन, द फैक्ट्री वर्कर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन विद ईच अदर। नंबर एट, हर काइंडनेस इज इन गिविंग द बेगर हॉट फूड ऑन दैट कोल्ड विंटर नाइट मूव मी डीपली। तो इसमें आंसर आएगा काइंडनेस, तो काइंड के साथ नेस जोड़ दिया है और ऑपरेशन वर्ड हमें दिया था उसके आगे हमने प्रीफिक्स जोड़ के सी ओ को जोड़ के कॉपरेशन वर्ड बना दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वोकैबुलरी सेक्शन था और क्वेश्चन आंसर्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर ब्यूटीफुली। और फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो थ्रू माय अर्लियर वीडियो ऑफ दिस पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।